हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट थोड़ा बहुत संभलता हुआ जरूर दिख रहा है एंड उसका इंपैक्ट जो ऑल्टकॉइन पे भी आपको फर्क पड़ता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन क्या ये जो संभलता हुआ मार्केट है वो हमें फर्दर अपसाइड की तरफ ले जाएगा या फिर यहाँ से फर्दर हमें पुश बैक मिल सकता है? तो बात करेंगे इन सबके ऊपर एंड जानेंगे कि अगले 24 आवर्स में मार्केट में कैसे क्या बिहेवियर रह सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पर ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों सिनेरियो में मैंने आपको 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स दिया हुआ है, जाके जरूर देखो। उसमें जो स्ट्रैटेजी बताया हुआ उसे समझो, उसे जब समझ जाते हो तो उसके बेसिस पे ही मेरे कॉल पे आप एक्ट करना है। एंड डेफिनेटली उसका प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, बट जो ज्यादा डिटेल में आपको 4 आवर के क्रैश कोर्स जरूर मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, फ्री में है अवेलेबल, तो जरूर जाके चेक कीजिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसे जाके चेक करो। उस पे जब जो स्ट्रैटेजी बताया हुआ उसमें जो अपने आप 80 से 90% तक का एक्यूरेसी रेट भी बहुत लोगों को मिला है उस स्ट्रैटेजी के तहत, तो आप जरूर जो उसके बेसिस पर अगर एक्ट करोगे तो मार्केट में हमेशा सेफ फील करोगे एंड डेफिनेटली जो है प्रॉफिट मेकिंग भी उस स्ट्रैटेजी के तहत कर सकते हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो। तो अपने प्लानिंग के हिसाब से आप जरूर उस स्ट्रैटेजी को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे, तो आप कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको। एंड जरूर गाइज, मैं रिकमेंड करता हूं academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो और उस फ्री 4 आवर्स क्रैश कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा और लिंक के थ्रू भी। एंड अगर आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट करना चाहते हो तो जरूर आप प्लान आउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स देखो, क्योंकि उस वो अगर समझ लेते हो तो आपको जो एडवांस वर्जन मैंने कोर्स बना रहा हूं उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो गाइज, बिना डिले किए आप शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट कल के दिन एज एक्सपेक्टेड बाउंस दिया एंड बाउंस में हमें कहां पे रिजेक्शन देखने को मिला, एक्जैक्टली जिस लेवल की मैंने बात कही थी कि लगभग 40,200 से लेके 600 के आसपास रेजिस्टेंस, एक्जैक्टली कल का जो पीक था वो हमें रीच करता हुआ दिखा $40,691 एंड वही जो लोएस्ट रहा $39,273 आज फिलहाल जब से सुबह से कैंडल स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली जो है मार्केट आप देखोगे कि अभी इसी रेंज में घूम रहा है, लोएस्ट $39,584 है, वहीं हाईएस्ट जो अभी तक रीच किया है $40,268। तो यहाँ पे क्या रिकवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या ये अल्टीमेटली और हमें पुश बैक प्राइस में नहीं देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर जरूर मैं बात करूंगा। लेकिन याद रखना कि जिस लेवल पे हम हैं अभी गोल्डन रेशियो जो है नीचे की तरफ अभी भी बना हुआ है 3898 की तरफ। अब कल के चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, कल के चार्ट में मैंने आपको बताया था गोल्डन जो आपको मैंने फेब लेवल ड्रॉ करके दिखाया था वो इस लेवल से किया था, इसलिए उसमें गोल्डन रेशियो ब्रेक करता हुआ दिखा। लेकिन अभी भी एज पर दिस चार्ट जो अभी जो रिसेंट डाउनफॉल जो लोएस्ट बॉटम प्राइस रीच हुआ था वहां से अगर आप चेक करोगे तो अभी भी गोल्डन रेशियो टेस्ट नहीं हुआ और वो टेस्ट होने के लिए 38,900 के आसपास 38,800 तक प्राइस सपोर्ट जोन बना हुआ है एंड वहां पे भी जा सकता है बिटकॉइन का लेवल वर्स्ट केस सिनेरियो में। डेफिनेटली मैं पिछले वीक कहा था कि अगले 4-5 दिन जो है मार्केट खराब रह सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो जरूर वो जो 5 डेज की बात मैंने कही थी वो ट्यूजडे को फिनिश हो गया है, तो क्या अब हमें फर्दर डाउनफॉल नहीं दिखेगा? तो गाइज, मेरा एक एजम्पशन था और ये मैंने एजम्पशन जो मैंने आपको बताया था वो उस वक्त बताया था जब मार्केट 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकता था। एंड डेफिनेटली जो है उस ड्यूरेशन में यानी कि 5 डेज के अंदर अंदर हमने देखा प्राइस एक्शन जो है इस लेवल को क्रॉस कर गया कि 39,000 के रेंज में हम चले गए, बट क्या मार्केट रिकवर कर गया? मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी के हिसाब से, जिस स्टडी के बेस पे मैंने आपको ये बात कही थी 5 दिन पहले, उस स्टडी के बेस पे यस मार्केट रिकवर करने के मूड में है, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे स्लोली कर रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी डिनाई नहीं कर सकते कि एक और झटका आ सकता है मार्केट में इन केस ऑफ एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी प्ले आउट होने के सारे जो है कंडीशन फेवरेबल बने हुए हैं। शॉर्ट आवर्स में बात कर लेते हैं कि क्विक आवर्स में 1 आवर के चार्ट क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। 21 EMA सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है एंड ये रिजेक्शन आपको पता है कई बार हमें दे चुका है। लास्ट टाइम जब हमें सपोर्ट मिला था तो 51 EMA ने हमें रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद हमने देखा 100 EMA लाइन ने हमें रेजिस्टेंस दिया। इस हिसाब से हम जरूर जो है 100 EMA लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम 41,200 के आसपास जा सकते हैं, बट कल के दिन नहीं गया, क्या वो आज के दिन जा सकता है? देखो, जो करंट लेवल है 40,000 का लेवल, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 1 आवर के चार्ट पर। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके कंसेक्यूटिव आवर में जरूर बाउंस बैक मिल जाना चाहिए।
चाहिए। अगर ये बैक टू बैक 3-4 आवर ब्रेक करता है इस लेवल को तो डेफिनेटली हम बढ़ रहे हैं 38,000 की तरफ, 38,800-39,000 डॉलर की तरफ। इसमें आप डाउट मत रखना, लेकिन जिस हिसाब से बाकी के इंडिकेटर्स कह रहे हैं वो जरूर ये कह रहा है कि काफी हद तक जो है हमने डिक्लिनेशन दिखाया, तो यहाँ पे एक जो फर्दर अपसाइड मूव है वो पेंडिंग है। तो वो हमें अगर मिलता है जो कि हमें आने वाले 4-8 आवर्स में दिखेगा, तो हमें देखना होगा 40,000 का लेवल हमें सपोर्ट दे एंड नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस मिलेगा 40,500 अगेन से, एंड डेफिनेटली उसके बाद जो हम इस लेवल को क्रॉस कर देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 41,300 का लेवल हमें अगले 24 आवर्स में रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है एज पर जो 1 आवर का चार्ट कहता है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम साइडवेज एक्शन में मोमेंटम मेंटेन किए हुए हैं एंड अभी हम इंपॉर्टेंट जोन में क्रॉस ओवर जस्ट फ्लैश आउट कर रहे हैं इस 4 आवर के चार्ट पे, जस्ट हमें ग्रीन कैंडल मिला है। एंड डेफिनेटली जब ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब है कि प्राइस ऑलरेडी लोएस्ट बना चुका होता है उससे पहले, अभी ये फ्लैश कर रहा है एंड मैंने आपको दिया हुआ है रेंज की 40,000 से लेकर 41,200 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो वो जरूर प्ले आउट कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है जब ये रैली आपको दिखेगा आने वाले आवर्स में, तो मेरे हिसाब से हम इस रेंज को हिट करने वाले हैं आने वाले आवर्स में। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है सपोर्ट कहां पे है, तो इस चीज पे आपको नजर रखना है। लेकिन इस सब का इंपैक्ट जो है वो ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक डेटा दिखाना चाहूंगा। ये है लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई एंड शॉर्ट टर्म होल्डर के सप्लाई का, और ये जो रेट ऑफ चेंज है ये हमें ग्लासनोड की तरफ से मिलता है, थैंक्स टू प्लान सी जिन्होंने हमें ये शेयर किया लेटेस्ट डेटा। एंड डेफिनेटली जो है ये डेटा क्या सजेस्ट करता है, देखो ये फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म की बातें करता है, वो शॉर्ट टर्म की बातें नहीं करता। ध्यान देना, जब जब हम इस रेंज के नीचे गए हैं और उसके बाद क्रॉसओवर मिला, उसके बाद प्राइस अल्टीमेटली आने वाले कई हफ्तों तक प्राइस सर्ज हुआ, डेफिनेटली आप डिबेट कर सकते हो कि ये हालविंग के आसपास का टाइम है, ये हालविंग से बहुत दूर का टाइम है, बट ये भी एक स्टैट्स है, इसको भी आपको नोटिस में रखना है। और ये डेटा लाने का मेरा मेन मकसद आपको समझाना कि बिटकॉइन का जो प्राइस आप अभी देख रहे हो शायद ये लोएस्ट प्राइस है, शायद ये लोएस्ट प्राइस रेंज है 30,000 से 40,000, मैं आपको पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ लोएस्ट प्राइस रेंज, और आपने इस ड्यूरेशन में कई बार देखा बिटकॉइन को इस रेंज में जाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं होल्ड किया है। ऑल दो टेक्निकल्स बहुत ही खराब चल रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, हम बाउंड्री लेवल पे हैं, अभी बाउंड्री लेवल से नीचे हैं, जरूर वीकली कैंडल क्लोजर के बाद हम रिव्यू करेंगे कि कैसे क्या मोमेंटम बन रहा है, लेकिन अभी वीक में अभी बाकी टाइम बाकी है, अभी बाकी दिनों में क्या हो सकता है मोमेंटम वो जरूर डिसाइड करेगा। बट अल्टीमेटली जब जब नीचे पुश करके प्राइस को, जब ये अपसाइड, अगर ये ब्लू लाइन की बात करोगे, प्राइस नहीं है सॉरी गाइस, जब जब इसे हिट करके ऊपर की तरफ बढ़ा है, तब तब हमने देखा एक बड़ा रैली। लेकिन जैसे 2015 के आसपास ये मोमेंटम जरूर हुआ था, लेकिन प्राइस एक्शन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, उसी जगह पे सस्टेन किया था। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर की होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और ये होता है फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है उसमें ये लिमिटेशन है, वो इमीडिएटली प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं करता। बट यस, अल्टीमेटली आप देखोगे इसके नीचे नहीं गया था बिटकॉइन, एंड अल्टीमेटली उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, एंड डेफिनेटली जब जब हमने क्रॉस दिखाया, फिर उसके बाद 2017-18 के बीयर रन के आसपास डेफिनेटली जो है मार्केट में ऐसा ही क्रॉसओवर देखने को मिला था, एंड वो क्रॉसओवर एक शॉर्ट रैली को इमीडिएटली पुश किया था। एंड उसके बाद आपको याद होगा 2020 में एक डंप आने के बाद फिर फर्दर हमने कहां तक मूव दिखाया, 2021 के बाद से ये स्टैट्स जरूर नीचे गिर रहा था, एंड डेफिनेटली वो अभी रिसेंटली वापस से पुश बैक हो गया, और इस स्टैट्स के गिरने के पोजिशन से लेके अभी तक का जो प्राइस डिफरेंस है मुश्किल से $15,000 का डिफरेंस है, यानी कि 55,000 से लेके और लगभग लगभग आप कह सकते हो 40,000 के आसपास का जो एवरेज प्राइस मेंटेन हुआ है, एंड ये फ्लैश कर रहा है फिर से एक बार। ये क्या इमीडिएटली प्राइस को सर्च कर देगा जैसा यहां पे देखने को मिला था? तो एक्सपेक्टेशन वही है बिटकॉइन से एज पर जो भी फंडामेंटल है, बट अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो इस डेटा के हिसाब से देखते हो तो यहां पे भी बहुत लंबा टाइम निकाल सकता है। ऐसा 2 बार हुआ है कि इमीडिएटली हमें प्राइस सर्च देखने को मिला है, एंड 2015 का डेटा जो था एक्सेप्शनल था अभी तक के हिस्ट्री का, तो जरूर जो है उस हिसाब से चला तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट ये एक डेटा है, इस चीज को मुझे आपके सामने रखना था सो दैट आप इस चीज को समझो कि बिटकॉइन क्यों बुलिस है। एक और रीजन फंडामेंटल्स आने वाले डेज में अलग अलग चार्ट शेयर करूंगा क्विकली, एंड डेफिनेटली गाइज अब मूव करते हैं डोमिनेंस चार्ट पे, डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है, एंड डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट हमें काफी कुछ बता देता है एडवांस में, एंड मैं बात करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस की। देखो मार्केट में पिछले 5 दिन से कह रहा हूँ, 1 हफ्ते से कह रहा हूँ, जिस दिन से ऑल्ट सीजन कंफर्म हुआ उस दिन से कह रहा हूँ, एक वार्निंग साइन कि गाइस बिटकॉइन बिलो 42,000 जाएगा ना, ऑल्ट कॉइन डॉलर के पेयर में तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक बिटकॉइन वापस से रीगेन ना करें, पहली पॉइंट। तो लोग आधा अधूरा सुनते हैं और उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालते हैं। 42,000 इज द एक्सट्रीम क्रिटिकल लेवल जिसको होल्ड करना है बिटकॉइन को, तभी हमें बीटीसी पेयर के साथ साथ डॉलर में भी देखने को मिलेगा मूव। तो ऑल सीजन तो कंफर्म हो चुका है बीटीसी पेयर के तहत, और वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, और अब अल्टीमेटली आप पीछे मुड़ के देखो हुआ क्या, पिछले 2-3 दिनों में 5 दिनों में हुआ क्या, अल्टीमेटली हम इस रेंज में गए फिर वापस से रीटेस्ट किया फिर फेल हुए, अल्टीमेटली अब नीचे जा रहे हैं, एंड अभी जो आज का क्लोजर है अगर इस लेवल पे क्लोजर बना दिया तो लगभग लगभग ऐसा क्लोजर हमें बहुत दिनों के बाद वापस से देखने को मिलेगा, लगभग लगभग ऐसा मोमेंटम हमें देखने को मिला था लास्ट टाइम 4 फरवरी के आसपास। डेफिनेटली इस
बात को भी काफी टाइम हो गया। एंड अल्टीमेटली ये तो डेली का चार्ट है, वीकली चार्ट पे अगर आप चीजों को देखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि हमारा जो है गैप अब बढ़ना शुरू हो रहा है। डेफिनेटली जो ये वीकली तीन कैंडल है ये बैक टू बैक आपको दिख रहा है, इसी जगह पे क्लोजर मिल रहा है क्योंकि बिटकॉइन हमारे फेवरेबल नहीं है। बट अल्टीमेटली हम कंफर्म है, हम रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट होने का जो एटलीस्ट लोएस्ट चांस, जो मतलब जो नियरेस्ट जो चांस है, एटलीस्ट 40 या 39 के आसपास, तो बिल्कुल हम डेफिनेटली जा रहे हैं डोमिनेंस के चार्ट के हिसाब से भी। तो बीटीसी पेयर में तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा मेरे दोस्त, और वो आपको कुछ कुछ ऑल्टकॉइन दिखा भी रहे होंगे डेफिनेटली। लेकिन बिटकॉइन जैसे 42,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, मेंटेन करेगा, फिर से वैसा ही कुछ शुरू हो जाएगा जैसा हमने पिछले वीक देखा था। तो आप ना एक कंडीशन याद रखते हो, दूसरा कंडीशन भूल जाते हो। दोनों कंडीशन याद रखना कि ऑल्टकॉइन की तभी चलेगी जब बिटकॉइन चलेगा, और बिटकॉइन कम से कम 42,000 मेंटेन करना चाहिए। बिटकॉइन बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली नहीं बढ़ना चाहिए। एक्सेप्शनली का मतलब एक ही दिन में $10,000-15,000 का मूव अचानक से आ जाए तो डेफिनेटली ऑल्टकॉइन ब्लीड कर जाएंगे बीटीसी पेयर में। बट अल्टीमेटली बीटीसी पेयर में मुझे ऑल्टकॉइन सीजन कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको चार्ट्स पे बिलीव करना चाहिए, मेरी बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको दिखेगा कि अल्टीमेटली हम नीचे ही जा रहे हैं। 3 डे के चार्ट्स पे आपको ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा कि हमने मोमेंटम जरूर दिखाया था लेकिन वापस से डिक्लाइन हो रहा है। एंड जैसा हमें ये मोमेंटम दिखा रहा है, जब जब ऐसा हुआ है, येलो लाइन देखो, येलो लाइन कहां पे आ गया लास्ट टाइम, ये येलो लाइन कब ऐसे आया था, तो जब भी उस लेवल से आया नीचे की तरफ पुश किया है डोमिनेंस चार्ट पे। डोमिनेंस चार्ट पे पुश होने का मतलब क्या है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आप चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, अगर बिटकॉइन को बढ़ाने में आपको है फोकस तो, अदरवाइज अगर सिर्फ डॉलर में समझ में आता है या मिक्स्ड पोर्टफोलियो है तो जरूर अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए जो 4 आवर का जो मैंने क्रैश कोर्स दिया उसे समझो और उसके बेसिस पे अप्लाई करो, चाहे बीटीसी पेयर हो चाहे वो डॉलर का पेयर हो। आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। और रिसेंटली मैंने आपको बताया, कल के चार्ट पे भी बताया था कि यार अभी जो रिसेंटली फॉलबैक दिखाया ना बिटकॉइन ने, वो भी हमें दिखा दिया है डोमिनेंस चार्ट पे ही नहीं, हमें यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो फॉलो कर रहे हो तो उस पे भी दिखा दिया है कि हम बुलिश नहीं है। जब से कब से लगभग अगर आप 4 आवर के चार्ट पे इसे प्लेस आउट करोगे 5 मिनट्स के स्ट्रेटजी को, तो आपको लगभग लगभग जब बिटकॉइन का प्राइस 46,000 से 47,000 से ब्रेक किया था 45,000 के टुवर्ड्स, उस दिन से बिटकॉइन पॉजिटिव नहीं है। और इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं, और आप लोग स्ट्रेटजी वीडियो अप्लाई करो तो आपको उसके हिसाब से चलना है, अगर ट्रेडिंग करना है तो उसके हिसाब से चलना है, सिंपल सा फंडा। और अभी भी इस स्ट्रेटजी के तहत अभी भी बिटकॉइन में टाइम लगेगा, अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही है, इनफैक्ट कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद अब ट्रेंड शुरू होगा। तो अभी क्या कह रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, बिल्कुल बिल्कुल जो स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर किया उस पर फोकस रहो। और 4 आवर का चार्ट आपको एग्जैक्टली जो है अच्छा खासा स्विंग दिखा देता है, जैसे लास्ट टाइम जब फ्लैश हुआ था बाय सिग्नल लगभग 40,200 के आसपास, एंड वहीं पे रेंज लेके गया था 48,000, एंड हमारा जो सेल सिग्नल था अराउंड में फ्लैश हुआ था 45,000 के अराउंड। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, जाके अप्लाई करो, दूसरों के भरोसे रहोगे ना हमेशा लेट रहोगे मार्केट में। तो प्लीज इस स्ट्रेटजी को घोल के पी जाओ और उसे अप्लाई करो, मार्केट में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जो भी डोमिनेंस चार्ट पे मैं बता रहा हूं वो भी आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। एंड डेफिनेटली लोगों का कंसर्न रहता है कि यूएसडीटी का क्या है, तो यूएसडीटी ने अभी रिसेंटली बॉन्स दिखाया डेफिनेटली 2 अप्रैल के आसपास से, एंड अभी रेजिस्टेंस जोन में हमने वापस से कदम रख दिया। और ये रेजिस्टेंस जोन क्या है, लगभग 4.70 तक भी वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, और इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली ये जो है अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा हुआ, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास से डिक्लिनेशन का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से टू बी फ्रैंक हम नीचे जा रहे हैं, और ये चीज वीकली चार्ट पे मैं आपको कंफर्म वे में कह रहा हूं। और उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि अगर हमें इस लेवल से 4.70 के आसपास से भी रिजेक्शन मिलता है तो हमारा RSI जो है अल्टीमेटली लोअर लो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। एंड इसका मतलब ये है कि जल्द ही जो है आपको ये इंडिकेटर पुश करेगा प्राइस को डोमिनेंस चार्ट पे, यूएसडीटी के प्राइस पे लेके जाएगा इसको वापस से 2% की तरफ। और ये सब होने में टाइम लगेगा, ये सब होने में, ये वीकली चार्ट है तो कम से कम 4 हफ्तों के बाद आपको ये चीजें कंफर्म होते हुए दिखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़ा मूव आने वाला है अगर आपको चार्ट समझ में आता है तो। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है वो आपको दिख रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो सकता, ऐसे कई बार हुए हैं लगभग पिछले 3 सालों में अगर देखोगे डेटा, लेकिन कभी भी क्लोजर जो है वो उस रेजिस्टेंस जोन के बाहर नहीं हो पाया। अगर हुआ भी है तो उसके नेक्स्ट वीक वापस से नीचे की तरफ पुश हो गया। तो ये चीज हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है कि हम जब जब ऐसा कुछ मोमेंटम दिखाएं ऐसा ही हुआ है, आप कह सकते हो W पैटर्न है, और ये हेड एंड आप कह सकते हो कि ये कप एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि कप पैटर्न बन रहा है। एंड अगर ये कप का अगर ये हैंडल है तो कप एंड हैंडल के पैटर्न के तहत ये काफी ऊपर सूट आउट करेगा, लेकिन उसके लिए भी इसको 4.8 या 4.70 के ऊपर क्लोजर लेना होगा। ऐसा ही कप एंड हैंडल यहाँ पे भी बना रहा था, लेकिन क्या हुआ अब इसे आप W पैटर्न से डिनोट कर रहे हो, लेकिन अब ये वो भी रिजेक्ट कर रहा है पैटर्न। अगर ये वापस से कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है तो भी हमें इंतजार करना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए, और उस समय आपको 2-3 हफ्ते लगेंगे। लेकिन जो मुझे दिख रहा है अल्टीमेटली रिजेक्ट हो रहे हैं 60 के आसपास से, एंड लोअर की तरफ पुश कर रहा है हमारा प्राइस एक्शन। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से हम नीचे की तरफ पुश
हो सकते हैं प्राइस वाइज, यानी कि डोमिनेंस चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर भी नजर रखना है। एंड अगर आप इस पे नजर रखते हो तो वर्स्ट के सिनेरियो यहां तक जा सकता है, यानी 60 के आसपास, एंड वापस से डिक्लाइन मिलेगा। तो कहां जाने वाला है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया हो रहा होगा। अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ में आता है, नहीं आता है तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले सीखो उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करो। इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात कर लेता हूं। इथेरियम का बीटीसी चार्ट क्या कह रहा है? इथेरियम का बीटीसी चार्ट वापस से पुश कर गया प्राइस एक्शन, क्यों? क्योंकि डोमिनेंस चार्ट जो है वापस से बिहेव कर रहा है। एंड बिटकॉइन जो है 40,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है पिछले 24 आवर, इसलिए ऐसा कुछ होता दिख रहा है। देखो 39,000 का लेवल ब्रेक होगा, बीटीसी पेयर में भी फिर से सफर करेगा ऑल्ट कॉइन, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है आपको, तो इस चीज को याद रखना। लेकिन डोमिनेंस चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि वो नीचे जा रहा है, और जब जब हिस्ट्री में वो नीचे गया है बिटकॉइन का प्राइस या तो होल्ड किया है या फिर ऊपर की तरफ बढ़ा है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। जाके चार्ट चेक करो, मेरी बातों को मत मानो। एंड इस हिसाब से बिटकॉइन का पैटर्न, ये प्राइस पैटर्न या तो होल्ड करेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में 38,900-38,800 के आसपास जा सकता है, लेकिन होल्ड करेगा या फिर ऊपर जाएगा, जिसकी बात मैंने आपको कही है। फिलहाल नेक्स्ट 24 आवर में क्या हो सकता है मैंने बता दिया आपको, बीटीसी बिटकॉइन के चार्ट पे डेफिनेटली, इथेरियम का बीटीसी चार्ट अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देखूं तो क्या कह रहा, तो डेफिनेटली अभी आपको बुलिशनेस दिख रहा होगा, लेकिन ये करंट लेवल जो है रेजिस्टेंस दे सकता है, एंड वापस से प्राइस एक्शन 0.075 रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अभी जो है 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हैं, एंड जो चार्ट जो बाकी के इंडिकेटर्स है वो भी वापस से पॉजिटिव हो गए, एंड डेफिनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ रैली। एंड ये रैली में ओवरऑल देखोगे लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ था 17 मार्च के आसपास लगभग 0.067 पे, एंड अभी हम 0.076 पे। तो अगर आप इसके हिसाब से भी सिंपली कुछ किसी मत सुनो, सिर्फ इसके बेस पे भी आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो भी 12% का गेन आपको मिल गया पिछले 28 दिनों में बीटीसी पेयर, बिटकॉइन के पेयर, इस चीज को याद रखना। जरूर जो है डॉलर में जब बिटकॉइन होल्ड करेगा या फिर बढ़ेगा तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको बिटकॉइन बढ़ाने पे फोकस है तो जरूर आपके लिए हेल्पफुल है। याद रखना रेजिस्टेंस अभी भी क्लियर करने में टाइम लग सकता है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है। वंस वी ब्रेक दैट लेवल, क्लोज दैट लेवल ऑन द डेली चार्ट, तब हम नेक्स्ट अपवर्ड मूव के लिए रेडी होंगे, जो कि 0.08 की तरफ होगा। डेफिनेटली जो इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिटकॉइन की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेटर चार्ट है क्योंकि बिटकॉइन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। यहां पे भी मैं कहूंगा 200 EMA line ब्रेक किया, एंड अभी जो करंट लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30,175 डॉलर के आसपास के ऊपर अगर हमें क्लोजर मिलना शुरू हो जाता है, लगभग कहूंगा 3,000 या 3,100 के आसपास जब क्लोजर मिलना शुरू हो जाएगा वनडे के चार्ट पे, देन वी कैन से कि यस नो इट इज टाइम फॉर इथेरियम की वापस से वो 3,200 रीटेस्ट कर सकता है, बट ये सारा जो है जोन ये हमें रिजेक्शन दे सकता है। तो बिटकॉइन के चार्ट पे क्लोजली फॉलो करो, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस के साथ ही ये भी नीचे जा सकता है। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अगर बढ़ेगा तो फर्क थोड़ा कम पड़ेगा, अदरवाइज फर्क उसमें डबल पड़ेगा। तो गाइज ये था ओवरऑल अपडेट मेरे हिसाब से जो टेक्निकल्स कहते हैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, एंड जो फंडामेंटल्स मैंने एक आपको जरूर शेयर किया चार्ट पे, तो इन सब पे नजर रखूंगा। और मैं जब भी कोई अपडेट होगा तो जरूर आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे देता हूं, तो आप लोग जरूर वहां पे फॉलो कीजिए चैनल को। एंड अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो फ्री में फ्री का जो 4 आवर का क्रैश कोर्स है पहले उसे जाके समझो, वो समझ में आता है, तब आप मेन कोर्स में सेकंड बैच का प्री इनरोलमेंट ऑफर जो चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी इनरोलमेंट ले सकते हो। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ कि आप फ्री का 4 आवर क्रैश कोर्स जरूर देखोगे, समझोगे और अपने कॉल खुद लेना सीखोगे। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।